का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद राहुल उपाध्याय में। तो दोस्तों आज हम अपने कुछ ट्रिक वाले क्वेश्चन करेंगे जो इकाई के अंक पर आधारित रहें, उनमें से कम एक क्वेश्चन आपको किसी वन डे एग्जाम में मिल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपके लिए एक नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, हम पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे भाई, फिर उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे अच्छे क्वेश्चनों पर। इंटू 617 इंटू 413, इसमें कहेगा भाई इकाई का अंक ज्ञात करो, इकाई का अंक ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये इकाई के अंक ज्ञात करने वाला, मतलब कि फर्स्ट लेवल पे ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो इसमें कैसे करेंगे, यदि हम 584, 128 और 617 और 413 की मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो कम से कम हमें एक घंटा इसकी मल्टीप्लाई करने में लग जाएगा जो हम अपने हाथ से करेंगे, ठीक है। और जो कैलकुलेटर से करेंगे तो हो जाएगी जल्दी, लेकिन जो हाथ से करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखो हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है, केवल इकाई का अंक बताना हमें, तो हम क्या करेंगे इसके इकाई के अंक की ही मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, अब सातिया 21, 21 में इकाई का अंक कितना आ गया, एक, एक अट्ठे 8, 8 आ गया ना, 8 चौक 32, 32 में इकाई का अंक कितना आ गया, 2, तो 2 क्या आ गया हमारा आंसर, 2 हमारा क्या आ गया इकाई का अंक, इकाई का अंक। ये इसका फर्स्ट लेवल का सवाल है, ठीक है। उसके बाद पावर के सवाल आते हैं कुछ, तो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई। अब इसका नेक्स्ट लेवल करेंगे, ठीक है। हमें इकाई के अंक की ही मल्टीप्लाई करनी है भाई, पूरी की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 584, 128 मल्टीप्लाई करने का दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2, अब पावर वाले क्वेश्चन करेंगे। 3127 की पावर 173, इसका पूछा भाई इकाई का अंक, इकाई का अंक ज्ञात करो, ठीक है भाई। अब देखो ये हमारा 3127 की पावर 173, यदि हम इसे सोल्व करेंगे भाई तो ये तो संभव नहीं है कि इसके इस पावर 173 कर देवें हम, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, इसका एक नियम होता है भाई, हमेशा इन लास्ट 2 डिजिट को हमें 4 से डिवाइड करना। देखो जैसे 73 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करके रिमेनिंग निकालना। देखो भाई 4 एकम 4 कितना बचा भाई, 3, यहाँ से 3 उतर गया, 4 अट्ठे 32 कैरी कितना बच गया भाई, 1 बच गया हमारी रिमेनिंग। अब इस 1 को इस 7 की पावर के ऊपर हमें रखना है भाई, 7 की पावर 1, और 7 की पावर 1 कितना होगा, 7, और 7 ही हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। हमेशा ही 4 से डिवाइड करने हैं लास्ट के 2 अंक, आप इस पूरी संख्या को 4 से डिवाइड कर लो या लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड कर लो, बात एक ही पड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 3, टू 4 6 7 की पावर 153 इंटू 341 की पावर 72, इसमें भी भाई हमें क्या बताना, इकाई का अंक, इकाई का अंक, ठीक है। देखो भाई इसे 4 से डिवाइड करना और इसे भी 4 से डिवाइड करना। अब यहाँ पे एक बात हम नोट करेंगे भाई, इसे नोट करके लिखना, जहाँ पे भी 0 1
और 5 और 6 हो, 0 156 हो, कहाँ पे है? यहाँ पे। वहाँ पे हमें सवाल सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे इकाई का अंक जो संख्या वो दे रखी होगी हमेशा वही होगी। ठीक है भाई, अब देखो कैसे है? अब इस तरह 153 को 4 से डिवाइड करेंगे भाई, हम 153 को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 53 को ही कर लो भाई। तो 4 एकम 4, कितना बचा? 1, 3, 4 तिया 12, कितना कैरी? 1। तो क्या करेंगे भाई, 7 की पावर 1 इंटू, अब यहाँ आ जाओ, अब इस 72 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा जाओगा भाई, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32। देखो जब भी पूरा पूरा चला जाए तो वहाँ पे हमें रिमेनिंग 0 बचेगा, लेकिन वहाँ पे रिमेनिंग 0 नहीं रखना, ये बात भी नोट रखनी है आपको। एक तो 0 156 जहाँ पे भी आए वहीं इकाई का अंक वही संख्या होगी जहाँ पे वो दे रखी होगी, और जो डिवाइड करेंगे हम 4 से, रिमेनिंग आए 0, तो उसकी पावर 0 नहीं रखनी, उसकी पावर रखनी है 4। तो हमेशा इस 1 की पावर रखेंगे हम 4, नहीं तो इसे सोल्व करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कही थी जहाँ पे 0 1 5 और 6 आवे, कहाँ पे है? यहाँ पे आना चाहिए भाई ये, कभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना हमें ये जो हमारा सवाल दे रखा, पावर में नहीं देखना। तो यदि इसे तुम सोल्व करना चाहो, जब 1 की पावर 4, 4 ही रहेगा और 1 1 ही रहेगा, तो 7 इंटू 1, तो एक आएंगे कितना आ जाएगा भाई? 7, 7 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखनी है। 0 156, देखो एक सवाल मैं आपको यहाँ समझा दूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ अभी आ गया भाई 341 की पावर 23 और आपसे पूछा यहाँ पे इकाई का अंक, इकाई का अंक यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा भाई आपको, नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ नोट कर दूँगा मैं। देखो भाई जैसे पूछा आपको 341 की पावर 23 और इसमें पूछेगा भाई इकाई का अंक ज्ञात करो, इकाई का अंक ज्ञात करो। ठीक है, अब मैंने आपको एक नोट लिखवाया भाई 0 156। ठीक है, मैंने कही जहाँ पे भी 0 1 5 6 हो वहाँ पे इकाई का अंक हमेशा वही संख्या होगी। ठीक है, अब देखो यदि इसे आपके ध्यान रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो सोल्व कर लेंगे फिर। देखो जब इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20 और कितना कह रहे हासिल बचेगा भाई 3, और 1 की पावर 3 करेंगे तो हम कितना आ जाएगा भाई 1 ही आ जाएगा हमेशा हमारा आंसर। ठीक है, इसका ध्यान रखना हमेशा, नोट करके बिल्कुल ये बात तुम्हें डाल लेनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 इकाई का अंक, इकाई का अंक। ठीक है भाई, अब देखो 95 को 4 से डिवाइड करेंगे, जब 95 को 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ कर लेता हूँ भाई मैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना भाई यहाँ से 1, 5 उतार लिया भाई, 4 तिया 12, कितना बच गया भाई 3, तो 7 की पावर 3 माइनस 58 है, 58 को 4 से डिवाइड करेंगे भाई, 4 एकम 4, 4 चौक 16, कितना कैरी बचेगा 2, भाई 2 ही तो कैरी बचेगा, तो 3 की पावर 2 कैरी बचेगा, 7 की पावर 3 क्या होगा 343 माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब देखो हमें इकाई का अंक बताना केवल, तो यहाँ पे भाई 3 में से 9 घटेगा नहीं, यहाँ पे 1 गया तो 13 में से 9 गए कितना आ गया 4, और यहाँ कितना बच गया 3, और यहाँ पे भी 3, 334, लेकिन हमें इकाई का अंक बताना, तो हमारे इकाई कितना आ जाएगा भाई 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक ही तरीके से सारे सवाल होंगे भाई ये, 7 की पावर 71 इंटू 6 की पावर 59 इंटू 3 की पावर 65
इसमें भी क्या बताना, इकाई अंक, इकाई अंक, ठीक है। अब देखो 7 की पावर 71, जब इसे 71 को 4 से डिवाइड देंगे भाई, तो 4 एकम 4, 2 वर्ग में नहीं चलेगा 3, 4 7 28, कितना कैरी बचेगा भाई 3, तो 7 की पावर 3। अब देखो यहाँ पे 0 156 बताया था अभी हमने, तो क्या होगा यहाँ पे इकाई का अंक 6 ही होगा भाई। मैंने कही थी जहाँ पे भी 0 156 आवे नीचे, वहाँ पे सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा वही संख्या होगी जो उनसे आएगी भाई, नहीं तो आप इसे सोल्व करके भी देख लो भाई, यदि किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो सोल्व कर लो इसे, 4 से डिवाइड करके देख लो, जब भी इतना ही आ जाएगा। तो 4 एकम 4, 1 बचा 4 चौ 16, कितना हासिल बचा भाई 3, और 6 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 216, 216 में इकाई अंक आ जाएगा 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। हाँ अब देखो 65 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 एकम 4, कितना कैरी बचा भाई 2 4 6 24, हासिल कितना बचा भाई 3 3 की पावर 1, ठीक है। 7 की पावर हो गया तुम्हारा 343, और ये हो गया 6 और ये हो गया 3। अभी कैसा सवाल हो गया, जैसा हम बिल्कुल पहला सवाल करा था हमने बिल्कुल वैसे ही हो गया। अभी 6 3 18 में इकाई का अंक कितना 8, 8 3 24, 24 में क्या आ गया हमारे इकाई का अंक 4, 4 क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसी ही आपको ट्रिक की वीडियो मिलती रहेंगी, और हमारी HD यादव की बुक उस पर चली रही है, उसमें नया चैप्टर स्टार्ट होगा भाई, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे जिसने हमारे चैप्टर नहीं देखे उसमें, ठीक है। और आपको एक ट्रिकी वीडियो है हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे हमें सब बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे ट्रिक से ही, तो वहाँ पे आप जाके देख लेंगे। जो भी हमारे चैनल पर नया है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।